संडे का दिन बॉलीवुड स्टार्स और उनके फैंस के लिए काफ़ी खास होता है, क्योंकि इसी दिन लगभग सभी नई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देती हैं। और हर फ्राइडे की तरह इस फ्राइडे भी दो नई फिल्में एक दूसरे को ज़बरदस्त टक्कर देने की तैयारी में हैं। जहां इनमें से किसी की किस्मत इस फ्राइडे को बदल जाएगी तो किसी का हो जाएगा डब्बा गुल। और इस फ्राइडे जो फिल्में एक दूसरे को टक्कर देने वाली हैं वो है सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा की फिल्म लव यात्री और दूसरी फिल्म है आयुष्मान खुराना की अंधाधुन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लव यात्री से सलमान के जीजा आयुष शर्मा अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं और इस लिहाज से देखें तो खान फैमिली के लिए ये फ्राइडे काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वहीं आयुष शर्मा के साथ इस फिल्म के जरिए वरीना हुसैन भी अपना डेब्यू करने जा रही हैं और जैसा कि इसके नाम से क्लियर है कि ये फिल्म एक लव स्टोरी है जिसमें सुश्रुत यानी आयुष और मिशेल यानी वरीना नवरात्रि में मिलते हैं, जहां दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है लेकिन मिशेल वापस लंदन चली जाती हैं और फिर आयुष अपने प्यार को पाने के लिए क्या क्या करते हैं इस फिल्म में इसे एक रोमांटिक लव स्टोरी की तरह दिखाया गया है। वहीं सलमान खान के बैनर तले बन रही इस फिल्म को टक्कर देने के लिए तैयार है आयुष्मान की फिल्म अंधाधुन। बात करें इस फिल्म की तो ये एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म है जिसमें फिल्म का हीरो यानी आयुष्मान खुराना अंधे के रोल में है, लेकिन फिल्म में जिस तरीके से घटनाएं होती हैं उससे आयुष्मान के किरदार को शक होने लगता है कि वो अंधा है भी या नहीं। और इस मिस्ट्री के बीच क्या क्या होता है वो देखने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। इस फिल्म में आयुष्मान के साथ राधिका आप्टे और तब्बू नजर आएंगी। तो अब आप इस फ्राइडे इन दोनों में से किस फिल्म को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।